नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेक्वेक की एक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है R27। ये जो ड्रॉप है, अगर आपको रिनल स्टोन की तकलीफ है यानी कि रिनल पथरी की तकलीफ है, किडनी पथरी की तकलीफ है, तो उस सिचुएशन में, उस बीमारी में ये मेडिसिन जो है ये काम आएगी। दोस्तों अगर आपके आपको रिनल कोलिक की तकलीफ है, पथरियों की वजह से अगर आपको रिनल कोलिक की तकलीफ है, तो उसके वजह से अगर आपको तेज पीड़ा है, पेट के निचले भाग में बहुत ज्यादा तेज दर्द है, चुभन है या लाल तथा चिपचिपा मूत्र अगर आपको होता है यानी कि हिमाचूर्या जैसी तकलीफ है, तो उस तकलीफ में ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही काम आती है। दोस्तों इसी के साथ आपको मूत्र पथरी और उसके साथ हिमाचूर्या यानी कि रेड यूरिन अगर आपको होती है, ऑक्सैलिक अम्ल की तकलीफ है, ऑक्सैलिक अम्ल की अगर आपको पेशाब होती है, तो ऐसी पेशाब को रोकने के लिए और आपको जो भी रिनल पथरी है उसको निकालने के लिए ये जो ड्रॉप है ये बहुत ही उपयुक्त है। दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो R27 ड्रॉप है ये आपको लेना कैसा है, और ये जो ड्रॉप है इसमें ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है जो आपको रिनल स्टोन की जो तकलीफें है, हिमाचूर्या की जो तकलीफें है, उसको कम करने में मदद करेगी। दोस्तों लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। दोस्तों तो दोस्तों अब बात करते हैं ये जो मेडिसिन है R27, इसमें कौन कौन सी दवाइयां मिली हुई है। दोस्तों तो पहली मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक एक ऐसी दवा है, अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड के बढ़ने की वजह से अगर आपको पथरी तैयार होती है पेशाब में, तो उस पथरी को निकालने के लिए जो मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक बहुत ही उपयुक्त है। दोस्तों तो दोस्तों ये जो एसिड नाइट्रिक जो मेडिसिन है ऑक्सैलिक एसिड की वजह से अगर आपको पथरी होती है तो उसको निकालने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दोस्तों इसमें नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली हुई है दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है बर्बेरिस वल्गरिस। ये जो मेडिसिन है अगर आपको गुर्दों में बहुत तेज दर्द है और वो दबाव से बढ़ने वाला दर्द है और वो दर्द इतना रहता है कि पेशेंट मूवमेंट भी नहीं कर सकता, रोगी चल फिर भी नहीं सकता, तो उसके वजह से ये जो मेडिसिन उसके वजह से जो पेन है उस पेन को कम करने के लिए जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है। दोस्तों इसी के साथ पेशेंट क्या करता है, उसको जो पेन है वो कम करना रहता है तो वो दाहिनी ओर झुकता है यानी कि लेफ्ट साइड अफेक्शन है, तो उस कंडीशन में ये जो मेडिसिन है ये हम यूज करते हैं। दोस्तों पेशाब रहता है उस ये मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक में वो चिपचिपा और लाल पेशाब रहता है यानी कि हिमाचूर्या की तकलीफ रहती है, तो उस वक्त ये जो मेडिसिन है ये बहुत ज्यादा उपयुक्त है। दोस्तों तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली हुई है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक ऐसी दवा है, अगर आपको पीड़ा युक्त मूत्र त्याग है यानी कि आप पेशाब करते हो तो बहुत ज्यादा तेज दर्द है, तो उस दर्द को कम करने के लिए जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है। दोस्तों इसी के साथ वो जो पेशाब करता है तो उसका कलर जो है वो लाल रहता है यानी कि मैचूरिया रहता है, और मूत्र में बहुत ज्यादा पथरी जो है, बारीक बारीक पथरी जो है वो मौजूद रहती है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है इसमें ज्यादातर दाहिना भाग जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, तो उस वक्त जो दर्द है दाहिनी ओर जो दर्द है उस दर्द को कम करने के लिए ये जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम। ये जो दर्द है दोस्तों वो मूत्र मार्ग से होता हुआ मूत्राशय तक जाता हुआ जो दर्द है उस दर्द को कम करने के लिए ये जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम बहुत ज्यादा उपयुक्त है। इसमें नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली हुई है दोस्तों वो है रूबिया। ये जो मेडिसिन है अगर आपको रात के वक्त यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है, मूत्र त्यागने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट को लगातार इच्छा होती है रात के वक्त पेशाब पास करने की, तो उसके कारण पेशेंट में बहुत ज्यादा अत्यधिक दुर्बलता आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो रूबिया मेडिसिन है ये यूज करने से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। दोस्तों मूत्राशय के कारण होने वाली जो मूत्राशय की शोध है उसको भी कम करने के लिए ये जो रूबिया मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है। दोस्तों इसमें नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली हुई है दोस्तों वो है सारसा पेरिला। ये जो मेडिसिन है अगर आपके मूत्र में पथरी है और मूत्र त्याग करते समय बहुत ज्यादा तीक्ष्ण दर्द है, तो उस दर्द को कम करने के लिए सारसा पेरिला जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है। दोस्तों तो ये सारी मेडिसिन जो है दोस्तों ये R27 जो ड्रॉप है रेक्वेक की इसमें मिली हुई है। तो
आपको जो भी दर्द है पथरी के वजह से, आपकी किडनी में जो पथरी है तो उसको निकालने के लिए जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं अब ये जो ड्रॉप है ये आपको लेना कैसा है दोस्तों। तो ये जो ड्रॉप है ये 20 ml की सीसी में आता है। इसके 10 या 15 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। ये जो मेडिसिन जब आप लेते हो दोस्तों तो कुछ चीजें हैं जिसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि कच्चा प्याज है, लहसुन है, या फिर कॉफी हो या फिर अल्कोहल हो, तो ऐसी जो पदार्थ है उसका सेवन जो है आपने नहीं करना है दोस्तों। ये जो मेडिसिन है दोस्तों ये लगातार आप 3 महीने के लिए यूज कीजिए तो आपको जो भी रिनल स्टोन की तकलीफें हैं वो कम हो जाएगी और आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मेडिसिन जो है वो मदद करेगी दोस्तों। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।